इंडिया द हिंदू एनालिसिस सुबह 6 बजे डेली वोकैब सुबह 8 बजे मास मंथन सुबह 10 बजे जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे इंग्लिश डोज शाम 4 बजे सीडीएस स्पेशल शाम 6 बजे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया द हिंदू एनालिसिस सुबह 6 बजे डेली वो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फ्रॉम माय साइड कि आपको 15 मिनट वेट करना पड़ा लेकिन फ्रेंड्स अब जो आपके आने वाला हाफ एन आवर है यानी कि जो 40 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे तो आज जो हम कवर अप करने वाले हैं वो 8th सेट है किसका CHSL का जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था CHSL का आपके 2017 के अंदर और इसमें से कई क्वेश्चन होंगे जो कि 2018 में आपको देखने को मिलेंगे तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अवेलेबल हैं और काफी कुछ आज नया सीखने वाले हैं तो फ्रेंड्स आज का जो पहला सवाल है वो हम डिस्कस करते हैं जैसा कि आप सभी को पता ही हमारा टारगेट है कि आपको 50 में से 50 मार्क्स आपको दिलाना है और ये आपको होके रहेगा अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं प्रीवियस अगर आपने वीडियोज देखे हैं तो जरूर से आपको 50 में से 50 मार्क्स जीके के अंदर एटलीस्ट जरूर मिलेंगे और बाकी की क्लासेस आपके पता ही है सभी चली रही है तो अगर आप वो भी अटेंड करेंगे तो आपके काफी अच्छे स्कोर मार्क्स होने वाले हैं और साथ में आज जो हमारा टारगेट है कि 2 से 3 हज़ार बच्चों का जो सिलेक्शन है वो एटलीस्ट विथआउट कोचिंग विथआउट टाइम वेस्ट करें विथआउट घर से बाहर जाए बिने उन सभी का सिलेक्शन हो तो उम्मीद करते हैं कि वो सब सपना जो है वो आप सभी का जरूर पूरा होगा तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमने आपसे पिछले साल जो कि आपसे पूछा गया था वो आपसे DNS के बारे में पूछा गया था DNS इज ए नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू तो DNS एक बेसिक सा कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है देखिए कई बार फ्रेंड्स होता क्या है आपने देखा होगा अगर आप वेब ब्राउजर का जो एड्रेस होता है ना वहां पे अगर आप कुछ डालते हैं टाइप करते हैं जैसे कि आपने लिखा वाईफाई स्टडी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है जो वो आपने टाइप किया है उसका कन्वर्जन होता है आईपी एड्रेस के अंदर अपने आप एक आईपी एड्रेस की फॉर्मेशन के अंदर wifistudy.com/something करके आ जाता है http://something करके तो ये जो काम है ना ये DNS का काम होता है एक्चुअली और DNS क्या होता है क्लाइंट और सर्वर है उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ए इसका सही आंसर है और यानी कि डोमेन नेम सिस्टम इसका सही आंसर है तो ये इसका सही आंसर है जो काफी लोगों ने इसका आंसर किया है अब देखिए काफी गलत भी आंसर आ रहा है डिजिटल नेटवर्क सर्विस भी लोगों का आंसर आ रहा है तो आपको ध्यान रखना ऐसा नहीं है आप फर्स्ट इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स जिसके अंदर DNS के जो इंटरनेटेड चीज़ें हैं वो आपके सामने मेंशन है DNS सर्वर मेंशन है तो होता क्या है एक दूसरे से क्या होता है सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को तो इस तरीके से ये सर्वर काम करते हैं और आपके वेब एड्रेस पे क्या करेंगे कन्वर्जन का काम करेंगे टू द आईपी एड्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया वो टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में पूछा गया देखिए फ्रेंड्स टेलीफोन एक्सचेंज किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था ये आपसे पूछा गया था अब सिंपल सा सवाल था हालांकि ये जो इन्वेंशन वाले जो कई सारी चीज़ें हैं इन्वेंशन वाली तो इसके लिए मुझे एक आपको अलग से वीडियो जरूर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन है आज तक जो हुए हैं उन सभी का मैं कोशिश करूंगा कम से कम हालांकि अगर हम बुक देखें इन्वेंशन वाली तो उसमें से 200 से 300 आपके ऐसे इन्वेंशन वाले आपको चीज़ें मिलेंगे लेकिन मैं आपको 50 का इन्वेंशन का एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके पेपर में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी टेलीफोन एक्सचेंज होता क्या है जैसे कि आपको पता ही है पहले के टाइम पे कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया करता था मैनुअली अगर दो फोन को कनेक्ट करना है तो तार वार जोड़ के ऐसा करके क्या किया करता था कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया करता था तो हम उसी को बोलते थे टेलीफोन का एक्सचेंज करना और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा ए इसका सही आंसर होगा काफी लोगों ने इसका आंसर ए दिया है जो कि बिल्कुल सही है आप देख सकते हैं यानी कि जो टिवेंडर पुस्किस जो है ये इसका सही आंसर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्कर्वी ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन तो देखिए एक सवाल इसमें से आता ही आता है हमेशा मेजरली आपको जो एक सवाल है वो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ना इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी बैरी रिकेट्स विटामिन डी हो गया बैरी हो गया इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस हो गया विटामिन ए और सी विटामिन सी किसके वजह से होता है विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है वो स्कर्वी हो जाता है
तो फ्रेंड्स आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज है और वो सब मैंने आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपको पता है ये विजन की जो प्रॉब्लम है वो विटामिन ए की वजह से होगी, बेरी बेरी की जो प्रॉब्लम होगी वो विटामिन बी की वजह से होगी, स्कर्वी की प्रॉब्लम होगी विटामिन सी की वजह से होगी, और रिकेट्स होंगे तो विटामिन डी की वजह से होंगे, बोन की कमी होगी तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपके स्ट्रांग टीथ के लिए और स्ट्रांग बोन के लिए, दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और कैल्शियम और साथ में फॉस्फोरस। ओके ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपके बोन हो गया और स्ट्रांग टीथ दोनों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में कैल्शियम नहीं पूछ के फॉस्फोरस के बारे में पूछ लेते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आयोडीन आपको बताइए वाटर की प्रॉब्लम की वजह से और आयरन की कमी होगी तो क्या होगा अनीमिया हो जाएगा यानी कि वीकनेस बहुत आ जाती है इसके अंदर। तो इस तरीके से सारे के सारे विटामिन है और जो कि आपको ध्यान रखना है और उम्मीद करता हूं कि पेपर में इसमें से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा जो आपको मेजरली या तो बेरी बेरी या फिर रिकेट्स इन दोनों के अंदर से देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछे गए थे, जो आपसे सपोटा के बारे में पूछा गया। देखिए मैं रोज आपको ये बोलता हूं कि साइंटिफिक नेम जरूर आएगा पेपर में, जरूर आएगा पेपर में, हर पेपर में एक साइंटिफिक नेम आता ही है, फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, मैं डेली हर सेट के अंदर ये डिस्कस करता हूं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता रखा है कई सारी जो इमेजेस मैं तीन दिन से नियर बाय 5-6 दिन से एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, 2-3 इमेज जिसके अंदर साइंटिफिक नेम कुछ प्लांट्स के हैं, कुछ एनिमल्स के हैं और कुछ फ्रूट्स के हैं। तो ये तीनों हम डिस्कस करेंगे और वापस से इनको रिवाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पी प्लांट यानी जो पीजम सटाविजम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला ओनियन इंपॉर्टेंट है, मैंगो मैंने आपको बताया था, मैग्नीफेरा इंडिका इंपॉर्टेंट है, वीट इंपॉर्टेंट है, ट्रिटिकम जिसे हम कहते हैं, बैनियन फिकस, और उसके बाद में एनिमल के अंदर ये सारे जो कोबरा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबरा के अलावा कैट है, डॉग है, फ्रॉग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इमेज आप देख सकते हैं एक और जिसके अंदर कुछ फ्रूट्स है, मैंने आपको बताया था सिट्रस क्या होता है, खट्टा होता है, तो वो किसमें होता है विटामिन जो सी है वो नींबू, नींबू होता है ये। तुलसी क्या होता है, ओसिकम, मैंगो बता चुका हूँ, गुलमोहर, रेजिया, करेला आप देख सकते हैं, कैंटिया, आलू पोटैटो को कहते हैं सोलनम, और सोलनम ट्यूबर ट्यूबरोसम, और वैसे ही दूसरा आप देख सकते हैं टोमेटो को कहते हैं लाइकोपैसियम। तो इस तरीके से ये कुछ फ्रूट्स के और प्लांट और एनिमल के साइंटिफिक नेम है, इसमें से आपको एक जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि डेली हम इसे रिवाइज करेंगे और आपको कोई बुक याद करने बुक देखने की जरूरत ही नहीं है, बुक में पैसे खराब मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो डेली जीके क्लास है अटेंड कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत है ना ही कहीं और पैसे लगाने की जरूरत है, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, कीप ऑन रिपीटेशन हो रहे हैं क्वेश्चंस और यही पैटर्न है जो कि फॉलो होता आया है होता रहेगा, यही सवाल है जो कि आपको डेली ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके प्रॉन्स रिलेटेड पूछा गया, बिलोंग टू द फाइलम, तो जो फाइलम है वो कौन से बिलोंग करता है कैटेगरी से, पहले ही मैंने आपको बताया फाइलम जो है वो किंगडम के नीचे है, क्लास के ऊपर है, कई सारे इसके अंदर कैटेगराइजेशन होता है, उन कैटेगराइजेशन को हम कई बार देख भी चुके हैं। वापस से मैं आपको वही इमेज दिखा रहा हूँ जो कि मैं आपको 4-5 दिन से दिखा रहा हूँ और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं फाइलम ग्रुप, इसमें देखिए पॉरीफेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सेलिंडेरिया मैंने आपको कल इसमें करेक्शन करवाया था, सेलिंडेरिया के अंदर जो ऑक्टोपस है ये यहाँ नहीं होके कहाँ पे होगा, मॉलिस्का के अंदर होगा, और सेलिंडेरिया के अंदर जो जैली फिश है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है आपसे किसके बारे में, प्रॉन्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो ऑर्थोपोडा है ना वहाँ पे बटरफ्लाई और प्रॉन्स बना हुआ है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ऑर्थोपोडा से ये बिलोंग करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका आंसर भी यहाँ पे ऑर्थोपोडा होगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो आंसर है वो सही भी किया है। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपसे प्रॉन्स से, यहाँ पे तो आपका आंसर सही हो ही गया, ये आपका सही आंसर होगा जो कि काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैटलिस्ट को रिलेटेड, व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू इन अ रिएक्शन, कैटलिस्ट एक रिएक्शन के अंदर क्या करता है, सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आप सभी को पता ही है कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। अब देखिए यहां पे काफी स्टूडेंट जो है वो सवाल पूछ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, तो प्रीवियस क्वेश्चन का ऑर्थोपोडा इसका सही आंसर होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा होगा ऑर्थोपोडा इसका सही आंसर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उससे पहले का मैं आपको आंसर दे चुका हूं, जो सपोटा है, हाँ सपोटा का मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया है, सपोटा का यहाँ पे जो आंसर होगा वो चीकू इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया था इसका, तो जो डी इसका सही आंसर होगा, सपोटा का आंसर डी होगा। तो आप देख सकते हैं कई सारी इमेजेस हैं
और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अभी का जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, प्रॉन्स से रिलेटेड आंसर दिया है। यहाँ पे डी आंसर का आ रहा है, लेकिन ऑर्थोपोडा इसका सही आंसर होगा। प्रॉन्स का मतलब पूछा तो झींगे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे से झींगे होते हैं, उनको हम प्रॉन्स कहते हैं, ये एक सी फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था वो कैटलिस्ट के रिलेटेड पूछा गया, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो कैटलिस्ट वाला सवाल है वो आपसे पूछा गया था। और देखिए होता क्या है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को अगर तेज करना हो तो क्या काम आता है, कैटलिस्ट काम में आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई भी रिएक्शन को चेंज करने के लिए या फिर फास्ट करने के लिए क्या काम में आता है, कैटलिस्ट काम में आता है। तो चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो चेंज करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो डी इसका सही आंसर होना चाहिए। आप इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर कैटलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो ये टर्म है ये एक ग्रीक टर्म है, और जो ये कंसेप्ट पहली बार एलिजाबेथ फुलहम के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था 1794 के अंदर, उनकी एक नोबल थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। उसके बाद में जोकब जो है उन्होंने 1835 में इसको यूज किया। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके लिए इन्वेंटर भी पूछ सकते हैं कि कौन से केमिस्ट है जिसने इसको इन्वेंट किया है। तो एलिजाबेथ आपको नाम ध्यान रखना है जिसने कैटलिस्ट को इन्वेंट किया है। तो ये सर सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा है नितेश जी ने, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। काफी लोगों ने, अदिति जी ने, सुनील जी ने, काफी लोगों ने ये सब आंसर सही करे हैं। और यहाँ पे विश्वजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रीवियस स्टैटिक वीडियोस कंप्लीट नहीं है। तो देखिए स्टैटिक जीके के कई सारे वीडियोस, नियर में 15 से 20 वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं वाईफाई स्टडी के अंदर, तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने भी देख लेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रियंका जी ने एक यूजर का आंसर भी किया है, गुलमोहर का रैजिया है जो साइंटिफिक नेम है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और काफी लोगों के यहाँ पे सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सब्सटेंस को लेकर कि एडिंग विच सब्सटेंस गिव ग्रीन कलर टू ग्लास। तो ग्लास के जो ग्रीन कलर होता है, कई बार आपने ग्लासेस देखे होंगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करेगा, कलर जो है ना ग्लास का उसको ग्रीन कर देगा, ये सवाल था। अब यहाँ पे इसका जो आंसर होगा जो कि लोगों का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्रोमियम ऑक्साइड सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड इसका सही आंसर है और जो कि ग्रीन कर देता है। आप एक इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर आपके सामने दिख रहा होगा कि एक क्रोमियम ऑक्साइड एक बॉटल के अंदर है जो कि क्या करता है, ग्रीन कलर को इम्पार्ट करता है, प्रोवाइड करता है किसके अंदर, ग्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि अलोरा केव्स को लेकर पूछा गया। देखिए अजंता और अलोरा केव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों औरंगाबाद के अंदर है, आप सभी को पता ही है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को लेकर मैंने स्टैटिक जीके का वीडियो भी डाल रखा है, और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने पद्मावती का भी वीडियो डाला था एक, अगर आपने नहीं देखा है तो पद्मावती वीडियो भी जरूर देखिए क्योंकि एक सवाल उसमें से जरूर बनेगा, खिलजी डायनेस्टी के ऊपर, रतन सिंह के ऊपर या फिर पद्मावती के ऊपर, वो भी जरूर देखिएगा। और यहाँ पे संतोष जी ने कोई सवाल पूछा है, संतोष जी का आंसर नहीं मिल रहा, तो संतोष जी आप एक बार वापस से पूछ सकते हैं। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलोरा केव से लेके पूछा गया, आपको पता ही है जो अजंता और अलोरा ये दोनों केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद के अंदर, 100 से 150 किलोमीटर के आसपास का है, दोनों के अंदर डिफरेंस है दोनों केव्स के अंदर। अजंता जो केव्स है वो बुद्धिज्म के ऊपर बनाई गई है, कई बार रिलीजन पूछते हैं। अलोरा जो है वो हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों के ऊपर बनाई गई है। अजंता केव्स किसी एक डायनेस्टी ने नहीं बनाई है, हजार साल लगे हैं अजंता केव्स को बनाने में, लोग आते गए, राजा आते गए, बनाते गए, आते गए, बनाते गए। और अलोरा की बात की जाए तो राष्ट्रकुतरा डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा, तो उस डायनेस्टी के नाम पे जाता है जिन्होंने अलोरा केव्स को बनाया है। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, पेपर में इसमें से सवाल आता है। और यहाँ पे जो आंसर होगा महाराष्ट्र आंसर होगा, और औरंगाबाद आप सभी को पता ही है। और ये जो आपके सामने इमेज है ये अलोरा केव्स की है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अजंता अलोरा। इसके अलावा कई सारे मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरूर देखिए। और सोनू जी का भी कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं फ्रेंड। बिल्कुल सही कहा एके पांडे जी ने, अजंता बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और विकी जी बोल रहे हैं बिल्कुल मैं आपके लिए 6 महीने का करंट अफेयर जरूर लेके आऊँगा। और 12 जनवरी इन्होंने बोला है कि 12 जनवरी से पहले बिल्कुल मैं 1 या 2 जनवरी को ही आपके लिए
पूरा कंप्लीट 6 महीने का एक 200 क्वेश्चन का करंट अफेयर लेके आऊंगा, जो कि LDC, CHSL, JEE, SSC और आने वाले CDS सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। 1 जनवरी को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उम्मीद करता हूं कि हर देश के कोने कोने तक वो करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड होना चाहिए। हर एक वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें लोगों से, ताकि जितने बच्चों के पास में फ्री के अंदर ये सब पहुंच सके, ताकि लोग पैसे खराब ना करें अपने बुक्स में और बाकी सब चीजों में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे पूछा गया कि फुल मून डे पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो फुल मून डे के ऊपर सवाल किया गया है। क्रिसमस, राखी, ये तो कोई रेलिवेंट थे नहीं। दशहरा और होली यहाँ पे जो रेलिवेंट है। और यहाँ पे अरविंद जी ने एलिफेंटा केव्स के बारे में पूछा है, वो भी महाराष्ट्र में ही है। बॉम्बे से आपको एक फेरी लेनी पड़ती है, आपको फेरी का मतलब एक बोट होती है जो कि आपको एलिफेंटा केव्स के ऊपर लेके जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर है वो भी महाराष्ट्र में ही है। और लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल लॉन्गेस्ट टनल है वरुण शर्मा जी, जो कि कहाँ पर है, JNK के अंदर है जवाहर टनल, और वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लोगों के कई सारे सवाल है। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आप होली आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। जिन लोगों ने आंसर किया है होली, बिल्कुल सही आंसर है। होली किस दिन होता है, फुल मून के होता है। आपको इसका मैकेनिज्म तो पता ही होगा ना कि किस दिन फुल मून होता है, किस दिन न्यू मून होता है। तो मैं आपके सामने एक इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब सनलाइट आती है तो जो मून है, जो आगे अगर अर्थ और अगर अर्थ और सन के बीच में अगर मून है तो वो न्यू मून कहलाएगा। अगर अर्थ मून के और सन के बीच में है तो वो क्या होगा, फुल मून कहलाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, पेपर में इससे कंसेप्ट रिलेटेड आपसे कई बार सवाल बनते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपके बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप एक और नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं, जिसके अंदर भी आपके जो मून है वो किस तरीके से बदलाव आता है वो आप देख सकते हैं। फुल मून आपके सामने पूरा का पूरा जो मून है वो है, और सबसे न्यू मून आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल काला है, जो कि नजर नहीं आता है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म है जो कि आपके सामने है, और उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपसे सवाल पूछा गया था, जो आपसे पूछा गया एक सिंपल सा सवाल था, जो कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिमांड कर्व को लेके, सप्लाई कर्व को लेके। आपसे क्या पूछा गया था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पूछा गया था। आपको पता ही है इक्विलिब्रियम की जब भी हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाता है। अनइक्विलिब्रियम में क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी या फिर क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। लेकिन जब भी इक्विलिब्रियम पूछा जाता है तो उसमें डिमांड और सप्लाई सामने सामने जाती है। तो आपको दोनों इक्वेशन 1 और साथ में इक्वेशन 1 को क्या करना है, इक्वल करना है इक्वेशन 2 को, और साथ में आपको P निकाल लेना है। तो सिंपल सा सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर, और उम्मीद करता हूं कि कोई भी कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे अरविंद जी पूछ रहे हैं कि टाइड से मून का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए अरविंद जी, टाइड जो होते हैं ना वो ग्रेविटी के पुल के वजह से होते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना मून का और अर्थ, मून का और सन का, तो उसके ग्रेविटेशनल पुल के वजह से टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स और हाई टाइड्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार पेपर में पूछते हैं टाइड्स किस वजह से होते हैं, तो टाइड्स किस वजह से होंगे कि जब भी ग्रेविटेशनल पुल होगा मून का और सन का, तब उसके वजह से टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। और यहाँ पे सलीग्राम जी, बिल्कुल आपके एफकेट के लिए भी करंट अफेयर वो अवेलेबल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा मेरे ख्याल से, तो मैंने कैलकुलेशन तो नहीं करी है, लेकिन आई गेस इसका आंसर बी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर पूछा गया, इज अ डिफरेंस बिटवीन। तो सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखिए कोई भी चीज बैलेंस कब होती है, जब वो इक्विवेलेंट होती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है। तो कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, यानी कि अगर कोई देश एक्सपोर्ट कर रहा है कई सामान को और अगर वो इंपोर्ट के बराबर है, जैसे कि मैंने 100 बिलियन डॉलर का क्या किया, मैंने एक्सपोर्ट किया, देश से बाहर सामान भेजा, और मैंने क्या किया 100 बिलियन डॉलर का ही क्या किया, इंपोर्ट किया, तो क्या हो गया, आपका बैलेंस है ना जो, वो इक्विवेलेंट हो गया किसका, ट्रेड का। एक्चुअली इंडिया के अंदर जो है ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम करते हैं, ये इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। अब देखिए इंपोर्ट कराने के अंदर जो हमारी मेजर चीज है, आपको पता ही होगा दुनिया का पिछले 10 साल से तो जो सबसे ज्यादा हथियार जो इंपोर्ट करवाता है ना, सबसे ज्यादा इंपोर्टर वेपन्स का कौन सा देश है, इंडिया है।
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश इंडिया है। हालांकि मेक इन इंडिया कैंपेन चालू किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हम चाहते थे कि हमारे जो हथियार है हमारे देश में बनाए जाए, लेकिन इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया उसके अंदर। डीआरडीओ के जो हेड है वो खुद भी बोलते हैं कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने की जरूरत है। तो इस तरीके की काफी चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इंपोर्ट करवाते हैं। मोबाइल फोन्स, आपको पता ही है चाइना से हम 100 बिलियन का बिजनेस लेते हैं, मतलब हम 100 बिलियन का बिजनेस उनसे मंगाते हैं और चाइना में कितने करते हैं 5 बिलियन का। तो नियर बाय 90 बिलियन का जो आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिशिएंट है, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिशिएंट, यानी कि जितना आप मंगा रहे हो उतना आप दे नहीं पा रहे हो। तो चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही कहा है शिव शंकर जी ने। और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्री का क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बी इसका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने इसका आंसर सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं। और साथ में यहाँ पे एक सवाल और है, रविकांत जी ने सऊदी अरेबिया बोला है कि एक्सपोर्ट करने को लेकर, और हम बात करें हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर को लेकर, तो हम इंडिया है ना, कई बार ये सवाल है जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ और बताता हूँ कि इंडिया कई बार ये पूछते हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, कौन सी चीज़ें जो कि कौन सा देश ऐसा जिसको इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। देखिए आपको पता ही है हमारा और रशिया का बहुत अच्छा टाइप्स है, इंडिया और रशिया, इंदिरा एक्साइज भी होती है, इंडिया ने रशिया से कई सारे वेपन्स ले रखे हैं। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो रशिया हमारे टॉप 10 एक्सपोर्टर में नहीं है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, आज के टाइम पर लड़ाइयाँ नहीं होती है, बस डराने के लिए लड़ाइयाँ होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो यूएसए सबसे बड़ा, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए के अंदर। इसीलिए पिछले 5 साल से या पिछले 2-3 साल से देख लीजिए, जब से पीएम मोदी बने हैं तो इन्होंने यूएस के ऊपर बहुत फोकस किया है। रशिया से तो रिलेशन रखेंगे लेकिन यूएस के ऊपर बहुत फोकस किया, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो बिजनेस है ना वो यूएसए ही बढ़ेगा, रशिया से नहीं बढ़ेगा। रशिया के देश में तो हमारा पैसा जाएगा लेकिन यूएसए से हमारे देश के अंदर पैसा आएगा, क्योंकि हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सऊदी को भी। तो ये देश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा है काफी लोगों ने यहाँ पे, व्लादिमीर पुतिन वहां के क्या है, प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इफ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स ओडर। तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में अगर प्रेजेंट हो तो उसके ओडर से यानी कि उसके स्मेल से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए यहाँ पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर। तो प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर सिंपल सा सवाल था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फ्रेंड, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था कुछ खास। और जो हम बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इकोनॉमिक्स की आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इन सब चीजों को। अब देखिए यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा गया वो ऑर्डर को लेकर पूछा गया। आपको सल्फर डाइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा, बी आपका सही आंसर है, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा है। अब देखिए, अब अरविंद जी ने पूछा क्या एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। आपको पता ही इंडिया वीट के अंदर मिल्क है, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है मिल्क, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी ऐसी चीजें हैं, मैंगो है, कैशूनट है, ऐसी कई सारी खाने वाली चीजें, स्पाइसेस हैं जो कि इंडिया इसको मेजरली एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बीस का सही आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड कई सारे यूजेस में भी आती है। आप एक इमेज देख सकते हैं फ्रेंड जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, सिमिलर है जो कि मैचस्टिक के अंदर जो स्मेल आती है ना उसके बिल्कुल सिमिलर है, और इसकी ओडर से आप इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा कई सारे यूजर में भी आती है, आप नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर कई सारे यूजर्स सल्फर डाइऑक्साइड के लिखे हुए, शुगर इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, और साथ में रेफ्रिजरेटर में, ब्लीचिंग के अंदर, और साथ में एंटी चारकोल के तौर पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, कई जगह पे काम में आती है। साथ में जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड से जो कि आपको ध्यान रखना है, वो एसिड रेन का ध्यान रखना है। एसिड रेन आपको बताइए जब भी पीएच है ना 5.6 से कम हो जाए पानी का, तब क्या होती है, एसिड रेन होती है। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो NOx, SOx और NOx, यानी कि नाइट्रेट के और सल्फर के दोनों के इसके अंदर चीजें होगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, एसिड रेन बन जाएगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था पेपर में, द नंबर ऑफ जियोग्राफिकल जोन इन इंडिया। तो यहां पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि कितने एनिमल है।
प्रॉब्लम है। तो देखिए चार जो एनिमल है ना जो अपने वहां पे थे, आपको पता ही है कि जो अपना एम्ब्लम जो है इसके ऊपर जब हमने फोटो खींची थी तो चार में से दो आए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए बुल और हॉर्स। आपको पता है बुल और हॉर्स ये दो जानवर है जो कि किसके अंदर है, हमारे एम्ब्लम के अंदर। एक स्टूडेंट का सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हमने इसको कहाँ से लिया था, सरनाथ जो टेम्पल है ना वहां से हमने इसको लिया था। सरनाथ टेम्पल में चार जानवर थे, एक ऊपर भेल के तौर पर इस तरीके से, तो उसमें से हमने दो को लिया था हमारे एम्ब्लम के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बायो जियोग्राफिकल जोन, अब सी इसका आंसर आ रहा है, देखिए गलत है फ्रेंड्स, काफी लोगों ने नियर बाय इसका जो आंसर है ना वो गलत दिया है। मेरे ख्याल से 80% लोगों का आंसर यहाँ पे गलत है। अब देखिए जब हम जियोग्राफिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे लैंड है, माफ कीजिएगा आइलैंड में है, उसके बाद में डेजर्ट में है, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट एरिड एरियाज, इस तरीके से हम देखते हैं। तो आपके सामने इमेज है, उसमें आप देख सकते हैं ये सारे जो जियोग्राफिकल हमारे फीचर्स हैं हमारे देश के। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप वाईफाई स्टडी की पेनड्राइव में देखेंगे तो मैंने पूरी जो ज्योग्राफी है वो इसी हिसाब से पढ़ाई है आपको, कि पूरे सबसे पहले इंडिया के ऊपर का पार्ट कवर किया, ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद हिमालयाज, उसके बाद में आपको डेजर्ट के बारे में बताया, फिर सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गंगाटेक, कोरल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साथ में आइलैंड्स, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफिकल है जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें मैंने इस तरीके से इसको पूरा बताया। तो काफी बच्चों का यहाँ पे मेरे पास मेल भी आया था कि बहुत उनको अच्छे समझ में आया है, पेपर में उनके आसानी से आंसर सॉल्व हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ याद करना है और उस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो 10 आपका सही आंसर होगा। जियोग्राफिकल जोन क्या होता है, मोंटी सिंह जी पूछ रहे हैं। तो देखिए जियोग्राफिकल यानी कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली अपना देश किस तरीके से डाइवर्सिफाई है, ये आपका सवाल है। आपको पता है इंडिया में बिल्कुल, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे स्नो है, कहीं पे ग्रीनरी है, तो उसी के हिसाब से हमने इसको पूरा का पूरा कवरअप किया है। अब जब हम ऊपर की बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो एक क्वेश्चन बनता है कई बार कि देखिए KLZP आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी ज्योग्राफी क्लास में कई बार इसके बारे में मेंशन किया है, पूरा तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, इतना मेरे पास वो नहीं है कि एक क्वेश्चन पे मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल जो कि 4 घंटे का टॉपिक है मैं आपको 5-10 मिनट में बता दूं, लेकिन एक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है। KLZP आपको पता होना चाहिए, KLZP जो ट्रांस हिमालय जब हम पढ़ते हैं ना तो हम JNK का जो एरिया है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालयाज। जब हम हिमालयाज पढ़ते हैं तो हिमालयाज में हम 3 रेंजेस में पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। शिवालिक रेंजेस होती है, फिर बीच में मिडिल हिमालयाज है, फिर सबसे ऊपर कौन सी हिमाद्री होती है, हिमाद्री 6000 मीटर से ऊपर, 4000 से 6000 मीटर मिडिल वाले, और ये जो शिवालिक रेंजेस है जैसे कि मसूरी है 3000 मीटर से नीचे वाली। तो इस तरीके से हिमालयाज को पढ़ते हैं जो कि पूरे JNK से लेकर कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। और जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं तो देखिए सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, आपको पता ही है, उसके ऊपर लद्दाख रेंज है, उसके बाद में जस्कर है, उसके बाद में पीर पांचाल है, इसके अंदर इंडस रिवर बहती है, फिर शॉलिक रिवर है इस तरीके से, फिर साथ में आपके एक दो रिवर्स और है। तो इस तरीके से ये जो पूरा एरिया, कई बार पेपर में पूछते हैं लद्दाख जो रीजन है वो कौन से के बीच में है, तो काराकोरम और जस्कर के बीच में है, तो इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। KLZP बिल्कुल सही है, रविकांत जी ने, अर्चना जी ने, काफी लोगों ने बताया, तो उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में, पेपर में आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने डायग्राम है ही और उसके साथ में आपके रिवर भी यहाँ पे लिखी हुई है। आपको पता है K2 जो कारक, जो K2 गुडविन ऑस्टिन जिसको हम कहते हैं, तो गुडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, POK के अंदर है, वैसे ऑफिशियली इंडिया में बोलते हैं क्योंकि POK भी इंडिया में ही है। तो दुनिया की जो सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक है वो K2 है, वो काराकोरम के अंदर ही है। तो ये आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको ध्यान रखने वाली चीज थी। देखते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि आपसे सवाल पूछा गया था। अब देखते हैं जो आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा गया, वो आपसे पूछा गया था इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो एक कौन सा ऐसा इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, जो स्वदेशी हमारे देश के अंदर बनाया हुआ कौन सा ऐसा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं LCA, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जब भी हम फाइटर प्लेन्स की बात करते हैं ना, हमारे देश में कौन कौन से फाइटर प्लेन्स है, तो कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि चार पांच तरीके के फाइटर प्लेन्स है। मिक्स सीरीज आपको बताइए, मिक्स बहुत सारे मिक्स सीरीज है,
अलावा राफेल आपको पता ही होगा, तेजस का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा जगुआर का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा एक दो नाम और जो है मिग, राफेल, जगुआर, सुखोई का नाम आपने सुना होगा, सुखोई प्लेन है, सुखोई 30 है। तो इस तरीके से चार पांच है, जो एक मिराज भी है, मिराज यहां पे मैं लिख देता हूं, मिराज एक और। तो ये सारे फाइटर प्लेन है जो कि हमारे देश के पास में है। मिग की कई सारी सीरीज है, मिग हमने कहां से लिया था, रशिया से लिया है, आपको पता ही है। तो पेपर में कई बार पूछते हैं कि ये बताइए जगुआर क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं, जगुआर क्या है, फाइटर प्लेन है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो तेजस आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, तेजस है, जो कि हमने सिंगल सीटर का एक फाइटर प्लेन है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इमेज भी लगाई है तेजस की, जो ये इमेज है ये कौन सी है, तेजस की है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं आपसे इंडिया के फाइटर प्लेन डिस्कस कर रहा था, राफेल अपन ने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, मिराज भी हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, तेजस हमारे इंडिया के खुद का प्लेन है जो कि हमने खुद ने बनाया मेक इन इंडिया में, जगुआर किसका है, यूके और फ्रांस दोनों से हमने इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करी है, और सुखोई भी कहां से, फ्रांस से लिया हुआ है। तो इस तरीके के सारे फाइटर प्लेन है जो कि आपको ध्यान रखने और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से कई बार सवाल आता रहता है। ओके, तो बिल्कुल सही कहा है राकेश जी ने, मिग है, राफेल, तेजस, जगुआर, और बिल्कुल सही है, परफेक्ट क्वेश्चन है विक्रम जी, ये क्वेश्चन सीडीएस के लिए परफेक्ट है, सीडीएस में से एक सवाल बन सकता है, तेजस के बारे में पूछ सकते हैं, तेजस की स्पीड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए तेजस के बारे में पूरा, हमारे देश का इंडिजीनियस प्लेन है, फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो इसकी स्पीड भी आपको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए 1000 से 1500 के बीच में है, 1500 से 2000 के बीच में, इसकी जो स्पीड है वो मेरे ख्याल से 2025 किलोमीटर पर आर की स्पीड है इसकी, 2000 के आसपास है, 2000 किलोमीटर के समय, सुखोई की 2500 से 3000 किलोमीटर पर आर है। और यहाँ पे प्रणव जी कुमार जी का मैंने आंसर पहले कर दिया था कि इंडियन नेशनल एम्बलम में कितने जानवर होते हैं, तो देखिए दो जानवर है जो कि नेशनल हमारे जो एम्बलम है उसमें दो जानवर होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे काफी स्टूडेंट ने, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे सुखोई जो है वो रशिया का है, मैंने यहाँ पे फ्रांस लिख दिया, एक्चुअली में वो रशिया का प्लेन है, सुखोई हमने रशिया से लिया है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दो फ्रांस के हैं, बाकी दो फ्रांस के हैं, एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, दो रशिया के हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, रशिया का है, बिल्कुल काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था, वो इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, तो कौन सी एक्सिस की तरफ हमारी अर्थ घूमती है, ये आपको बताना था, सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था, इतने आसान आसान सवाल है जो कि हम प्रीवियस इससे कई डेप्थ के अंदर हमने है ना, जो प्रीवियस जो हमारी डेली जीके क्लास हुई है उसमें इससे कई ज्यादा डेप्थ के अंदर हमने सवाल सॉल्व किया है, और काफी बच्चों ने वहां पर सही आंसर भी किए थे, तो ये ऐसे सवाल अगर आपके पास आएंगे तो बड़े आसानी से आप पढ़ते ही इसको आंसर टिक कर देंगे, तो इस तरीके से ये सवाल है जो कि बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके के हैं। अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा, बुलेन हॉर्स बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको पता ही है कि ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है हमारी दुनिया का, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में जापान ये सब देश है, यहाँ पे यूएसए है, वेस्टर्न पार्ट में हम के इस तरीके से घूमते हैं हमारी जो अर्थ है, आपको पता ही है सबसे पहले सनलाइट कहाँ पे, हम जापान में आती है राइजिंग, ठीक है, हम इसी को बोलते हैं सबसे पहली जो किरण है वो जापान में आती है, तो कैसे घूम रही है हमारी सन, ऐसे घूम रही है इस तरीके से, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है, सिंपल सा आंसर था वेस्ट टू ईस्ट। अब दो प्लैनेट आपको ध्यान रखने हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते हैं, एक तो यूरेनस और एक वीनस, यू वी, यू और वी, ये जो दो है ना प्लैनेट ये इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे लेकिन ये जो है ना ये उल्टा घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये उल्टा इस तरह घूमेंगे, ठीक है, तो यहां पे ईस्ट लिखिए और यहां पे वेस्ट लिखिए, तो ये उल्टा घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से, ये हमारे बाकी ऐसे जाएंगे और जो ये यूरेनस है और ये इस तरीके से घूमेंगे, तो ये दो चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें रोटेशन से रिलेटेड, आप देखिए इसमें पूरी की ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की पूरी ऑर्बिट है, और इसमें आपको दो मार्क कर लेना है, एक तो वीनस मार्क कर लेना है और एक यूरेनस मार्क कर लेना है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, वीनस और यूरेनस सही कहा अदिति पांडे जी ने, और गोपाल कुमार जी ने जो आंसर किया है वो तो ईस्ट टू वेस्ट किया लेकिन वो वेस्ट टू ईस्ट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं,
जो कि आपसे सवाल पूछा गया था, वो आपसे पूछा गया था कि विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। तो मैं कई बार आपके बारे में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, कई इंपॉर्टेंट चीजें बता चुका हूँ रेनफॉल से रिलेटेड इंडिया के बारे में। अब देखिए, आपको पता ही है कि आंसर तो बड़े आप आसानी से पिक कर लेंगे, लेकिन इसी में अगर थोड़े से टफ सवाल और बन गए उस रीजन के, मेघालय तो आपका सही आंसर है। आपने चेरापूंजी और मैसोरम के बारे में सुना होगा। चेरापूंजी की अगर हम बात करें कि एक साल में एवरेज रेनफॉल कितनी है, तो 11,000 समवेयर 088 mm पर ईयर, इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है। मैसोरम की और भी ज़्यादा है, आई गेस 88 के समवेयर ऐसा कुछ है इसकी पर ईयर, mm पर ईयर, इतनी ज़्यादा रेनफॉल है। आज से कुछ साल पहले चेरापूंजी हमारा मैक्सिमम रेनफॉल वाला एरिया था, लेकिन अभी कुछ साल से मैसोरम है। दोनों ही मेघालय के अंदर है, दोनों ही मेघालय में है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है, आपको पता होना चाहिए। साथ में गारो खासी जयंता तीन तरीके से डिवाइडेड कर रखा है हमने उसको, ये भी आपको पता होना चाहिए। गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, कई बार पेपर में पूछते हैं, और जैतिया हिल्स है। इस तरीके से सवाल बनते हैं। और यहाँ के जो साउथ है उसके अंदर शिलोंग है जिसको कैपिटल है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी दो चीजें, माउलिंग विलेज के बारे में अगर आपने सुना हो तो माउलिंग विलेज एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। पूरे एशिया का सबसे जो क्लीन विलेज है ना, वो माउलिंग है। माउलिंग कहाँ पर है? मेघालय में है। इसके अलावा इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, देखिए बोलने के अंदर तो जो जोग फॉल है ना, वो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सामने एक इमेज आ रही, जो नौकालकाई फॉल है, नौकालकाई फॉल इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम बिल्कुल सही कहा है, मुकुल संगमा जी है, गुंजन शर्मा जी ने। और अब देखिए यहाँ पे नौकालकाई फॉल आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, अब देखिए ये डिस्प्यूटेड बात हो सकती है, अब इसके अंदर हो सकता है कि आपको कहीं गूगल पे आप ट्राई करें, कई जगह ट्राई करें तो आपको अलग अलग आंसर हो जाए, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जो वाटरफॉल है ना, इसको मेजर करने का कोई मीटर नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर काफी ज्यादा वो है, डिफ्रेंसिएशन है कि आपको हो सकता है कई जगह जोग फॉल मिल जाए, कई जगह नौकालकाई। तो जैसे आपका सवाल पूछा जाएगा, जो ऐसे आपके ऑप्शन होंगे ना, वैसे ही आपको पिक करना है। अगर नौकालकाई फॉल आपके ऑप्शन में तो आपको वो पिक करना है, अगर जोग फॉल आपके ऑप्शन में जो कि सारावती रिवर पे है कर्नाटक में, तो उसको आपको पिक करना है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे कभी भी। और यहाँ पे सबसे कम की बात कर रहे हैं, तो कम तो आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर प्रॉब्लम है ही बारिश को लेकर, जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफी सूखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो लातूर और ये सब जो एरिया है, मराठावाड़ा एरिया, वो भी बहुत कम रेनफॉल होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के अंदर हो जाती है, तो इधर वाला जो एरिया है वो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही, राकेश जी, गंगा प्रसाद इज द गवर्नर ऑफ द मेघालय, जो सीएम है और गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं जितने भी वीडियोज है जो करंट अफेयर, उसमें मैं सारे के सारे सीएम और गवर्नर डिस्कस करता हूँ, पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट था सुल्तान, टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया। टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ, तो सिंपल सा सवाल था कि जो टीपू सुल्तान है, ठीक है, वो कहां के टाइगर के तौर पे जाने जाते थे। अब यहां पे राकेश कुमार जी ने बोला है कि राजस्थान में स्नोफॉल क्यों, रेनफॉल क्यों नहीं होती, स्नोफॉल तो दूर की बात है, रेनफॉल ही बहुत कम होती है। अब देखिए उसके जो रीजंस है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, आपके बेसिक नॉलेज के लिए काम में आएगा, और आपके जो बाकी पेपर है सीएचएसएल में तो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि राजस्थान में रेनफॉल इतनी कम क्यों होती है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पे बीच में अरावली रेंजेस आती है, अरावली रेंजेस, ये राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है। अगर मैं ये राजस्थान का मैप बनाऊँ इस तरीके से, और ये वेस्टर्न पार्ट है जहां पे थार डेजर्ट है, आपको पता ही है ना थार डेजर्ट के बारे में। तो जब भी हमारी विंड ब्लो करती है इस तरीके से, तो ऊपर जाती है, हिमालय से टकराती है और फिर वापस आती है। अभी जब ये वापस आती है तो अरावली के टकरा जाती है, अरावली के टकराने के बाद में जो ईस्टर्न पार्ट है, यहां पे तो रेनफॉल हो जाती है, यहां पे तो रेनफॉल हो जाएगी, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि अरावली के इस तरफ है, वहां पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ये विंड है, एक तो वैसे ही इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, उसके बाद अरेबियन सी से, और उसके बाद में हिमालयस पर टकराएगी, फिर वापस आएगी, उसके बाद में अरावली की टकराएगी, तो इधर जब पहुंचती तो बिल्कुल ही ज्यादा ड्राई हो चुकी होती है वो, इसलिए रेनफॉल यहाँ पे नहीं होती है। वैसे ही आपको पता होगा लद्दाख वाले एरिया में भी रेनफॉल नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा कम रेनफॉल होती है लद्दाख वाले एरिया में, ड्राइस्ट एरिया में से एक आता है लद्दाख वाला भी, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लोगों ने जो मैसूर है, यहाँ पे जो आंसर क्या होगा, मैसूर इसका सही आंसर होगा। आपको पता है टीपू सुल्तान थे, मैसूर जो कर्नाटका है वहां के रूलर थे, हैदर अली इनके फादर थे,
और 17th सेंचुरी में ये रूलर थे और काफ़ी एरिया इन्होंने साउथ के अंदर काफ़ी इन्होंने एरिया कैप्चर कर रखा था। बिल्कुल सही कहा राकेश पनवार जी ने, सन ऑफ हैदर अली। और आंसर भी क्या होगा आपका, क्या होगा मैसूर, इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं मैप के अंदर जो पूरा एरिया है वो मैसूर का एरिया, जो कि इन्होंने कवरअप किया था अपने किंगडम के टाइम पे। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे लीवर्ड साइड जो मधुसूदन जी है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे अरबिंदो के बारे में पूछा गया। सर अरबिंदो वॉज बॉर्न इन द ईयर, तो ये आपका सवाल था। अब देखिए अरबिंदो जी का जो सवाल है ना, ये आपका ईयर तो इंपॉर्टेंट, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है इस तरह के सवाल को कि किसी का ईयर पूछ लिया जाए। तो ऐसे सवाल के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि आप इंडिया के जितने बड़े लेजेंड्स हैं उन सभी को आप क्या करो उनके ईयर याद कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, या तो छोड़ देना है, और अगर आप हमारी क्लास में अगर क्या हो रहा है अगर कवरअप हो रहे हैं तो उनको फिर आपको इजीली कवरअप कर लेना है, क्योंकि इन चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो इसका सी सही आंसर होगा, 1872 सी इसका सही आंसर होगा। और मैंने प्रीवियस आंसर शायद नहीं किया है, लोग बच्चे बोल रहे हैं प्रीवियस आंसर, तो मैसूर इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर था टीपू सुल्तान का, तो उसमें कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल वाला मेघालय इसका सही आंसर था, मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, 1872 इसका आंसर होगा। और सी इसका सही आंसर है, जो कि चंदन मिश्रा जी ने कहा है, तो ये इसका आंसर है। अरबिंदो की जी के बारे में, अरबिंदो आश्रम की जी के बारे में सवाल बनता है कि जो अरबिंदो आश्रम है ये कहाँ पर है, तो ये पौंडीचेरी के अंदर है, जिसको आप पुडुचेरी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पुडुचेरी है वो वहाँ पे इनका आश्रम है, अरबिंदो आश्रम, तो उसके लिए वो बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि APJ अब्दुल कलाम जी को मिला था। फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों ने आज तक APJ की अब्दुल कलाम जी के बारे में सवाल आया है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम जी के की अगर एक बायोग्राफी है जो कि गुलजार साहब की आवाज़ के अंदर है, जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है, अगर आपको कोई भी मूवी देखनी है, डॉक्यूमेंट्री या किसी भी प्रकार की मूवी, तो सबसे बेस्ट जो मूवी आज तक बनी है भारत के अंदर मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि एक बहुत ही अच्छी है, जो कि अब्दुल कलाम जी की पूरी जीवनी है उसके अंदर, 1 से 1.5 घंटे की है, आज ही जिन लोगों ने नहीं देखी है देखिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, लिखिएगा APJ बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, तो वहाँ पर गुलजार साहब की आवाज़ में एक पूरा ऑडियो आएगा आपके सामने 1.5 घंटे का, वो ज़रूर सुनिएगा, वो बहुत अच्छी है। तो उनके बारे में उन्होंने पूरी लाइफ के बारे में अपने बारे में बताया है, और यूथ के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है वो भारत रत्न है, बिल्कुल सही आंसर है, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम जी को मिला है। आपको पता होना चाहिए भारत रत्न के बारे में कि सबसे पहले रेसिपिएंट कौन थे, आपको पता ही, राधा कृष्णन जी, राजा गोपालाचार्य जी, CV रमन जी, ये सारे कौन थे, फर्स्ट रेसिपिएंट थे जब इनको पहली बार अवार्ड, पहली बार भारत रत्न मिला था। उसके बाद में टोटल आज तक 45 इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड मिल चुका है। पोस्टमिसली शुरू में नहीं दिया जाता था ये, लेकिन 1955 और 56 के बाद में इसको पोस्टमिसली भी देने लगे, मरणोत्तर मरने के बाद में भी देने लगे। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिनको पोस्टमिसली ये मिला था। यंगेस्ट पे भी सवाल बन सकता है, यंगेस्ट कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है, आपको पता ही है सचिन तेंदुलकर को अभी कुछ साल पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। तो पोस्टमिसली यंगेस्ट, इस तरीके से 45 इंडिविजुअल, सबसे पहले कौन थे, तो इस तरीके से सवाल है जो कि पेपर में बनते रहते हैं भारत रत्न से रिलेटेड, और आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा हरीश कुमार जी ने, बेस्ट ऑडियो है जो कि आज तक आपको YouTube के ऊपर मिलेगा, तो उसको देखना सुनना बिल्कुल ना भूलिए, बहुत आपको एनर्जी, एक ड्रिफ्ट, एक किक मिलेगी आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको जॉब लगते हैं, अगर आपकी, जैसे कि आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है CHSL के अंदर, CGL के अंदर, तो कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश में अच्छी तरीके से, जैसे कि सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस देश के अंदर। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कई बार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप शेयर कर रहे हैं वीडियो को, लाइक करें, तो ये भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत देश के कोने कोने में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँचेगा तो उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपको बहुत दुआएं मिलने वाली है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था, What will happen to the force between the two positive charges which are released after being held near each other? तो क्या होगा अगर कोई forces, दो positive forces release कर दिए जाएंगे एक दूसरे के पास में, ये सवाल था। देखिए कभी भी कोई positive charge छोड़ा जाएगा ना, तो क्या होगा, एकदम से वो drift मारेगा,
ड्रिफ्ट मार के मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा, फिर वापस से नीचे आएगा। तो कुल मिला के रोज इसी तरीके से सवाल बनते हैं न्यूटन्स लॉ के ऊपर। 1, 2, 3 जो न्यूटन्स लॉ है वो आप, मैं कई बार डिस्कस कर ही चुका हूं। बिल्कुल सही कहा चंदन मिश्रा जी ने, पीपल का आकार है भारत रत्न का, बिल्कुल सही है। और ज्योति जी बोल रही है सीजीएल पेंडिंग है 2016 का, तो बिल्कुल पेंडिंग है लेकिन जल्दी हो जाएगी, कोर्ट में केस था, क्लियर हो चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो फोर्स फर्स्ट इंक्रीजेड टू द रीच मैक्सिमम बिफोर स्टार्टिंग टू डिक्रीज, यानी कि फोर्स सबसे पहले तो ऊपर जाएगा, उसके बाद में डिक्रीज होगा जब उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम पे वो पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? डी सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है जिन लोगों ने दिया है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे अर्थक्वेक के बारे में पूछा गया। मैं कई बार बोल चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं, अर्थक्वेक से रिलेटेड सवाल इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक से रिलेटेड सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि डिवाइसेस है, जो रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, जो कि आपको पता ही है प्राइम, जो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव, इस तरीके से देखिए अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेपर में सवाल बनता है। सरफेस वेव होती है एक तो, इसके अलावा बॉडी वेव्स होती है, बॉडी वेव्स तीन तरीके की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से, और जो सरफेस वेव है वो भी होती है, एल वेव होती है और एक आर वेव होती है, लव वेव और रिले वेव। तो इस तरीके से पेपर में कई बार सवाल बनते हैं और आपके पेपर में कई बार सवाल आते हैं। तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ के बारे में हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। सिस्मोग्राफ क्या काम में आता है? अर्थक्वेक की जो वेव्स है ना उसको मेजर करने के काम में आता है। डी इसका बिल्कुल सही सवाल है। अब यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं आप, जिसके बारे में मैंने अर्थक्वेक की जो वेव्स है उसके बारे में मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। तो जो मैंने बॉडी वेव बताई वो कौन सी है? प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव है, और सरफेस वेव है ही। अब देखिए इसमें भी जो डेप्थ में सवाल है ना, जो कि आपके सीएचएसएल में तो नहीं आता लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, दो चार क्वेश्चन टफ बनाने के लिए वो चाहते हैं कि बच्चों के पूरे में से पूरे ना आए लेकिन आपके आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा टफ भी बना सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी वेव है जो कि फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस एल वेव, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी करेगी? प्राइमरी वेव करेगी। सॉलिड लिक्विड में कौन सी ट्रैवल करेगी? ये भी प्राइमरी करेगी। साथ में सेकेंडरी वेव के बारे में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ये ट्रैवल करेगी, मीडियम इसकी स्पीड होगी, और सरफेस वेव आपको बताइए सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करेगी, सबसे स्लोएस्ट होगी। इसके अंदर लव वेव और साथ में रिले वेव, ऐसे दो तरीके की वेव्स होती है और डेप्थ में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। एपिसेंटर और फोकस, बिल्कुल सही कहा है विश्वेश श्रीवास्तव जी ने। एपिसेंटर होता है जहां से निकला है, जहां से जो वेव निकलती है, जो जिस पॉइंट के अर्थ के जिस पॉइंट पर वो निकलेगा, ठीक है, तो वहां से क्या होगा वो, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। पेपर में कई बार पूछते हैं फोकस क्या होगा, जहां से जमीन के अंदर जो पॉइंट होगा वो फोकस होगा। साथ में यहाँ पे रिएक्टर स्केल, मार्शल स्केल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता ही है रिएक्टर स्केल के बारे में, 0 से लेकर एक एल्गोरिथम स्केल होती है 0 से लेकर 10 तक, और जो इसकी एनर्जी है ना, अगर आप 3 से 4 पे जाएंगे ना तो 10-fold 10 गुना ज्यादा 10-fold एनर्जी हो जाती है कन्वर्ट, ठीक है, 10 गुना ज्यादा। अगर मान लीजिए 3.1 का अर्थक्वेक आया और 4.1 का अर्थक्वेक आया, तो जब ये एक ऊपर गई है ना तो इसका मतलब है 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो इंटेंसिटी थी ना वो 10 गुना ज्यादा थी अर्थक्वेक की। तो इस तरीके से ये वेव होती है जिसको हम रिएक्टर स्केल बोलते हैं, और रिएक्टर वो पर्सन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। मार्शल स्केल के बारे में पूछते हैं, मार्शल स्केल मैं पहले बता चुका हूं, कितनी जन की यानी कि लोगों की और प्रॉपर्टी की पैसे का नुकसान हुआ है, ये देखने के लिए मार्शल स्केल होती है जिसपे हम बताते हैं, तो वो भी चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया। पॉलिटी के 2-3 के सवाल है जो कि अभी तक नहीं पूछे गए थे, और अब सिंपल सिंपल से सवाल आएंगे पॉलिटी के, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं उसके बारे में, और साथ में आपको बताइए पुरानी पॉलिटी अगर आप वीडियोज कवरअप करेंगे तो IAS का पेपर भी जो प्री है वो उसके भी आप सही मार देंगे। आप CHSL छोड़िए, CGL छोड़िए, जो अगर UPSC का पेपर दे रहे हैं अगर आप IAS का प्री, उसमें भी आप सही क्वेश्चन कर देंगे अगर आपने पॉलिटी ज्योग्राफी बायोलॉजी इन सबके प्रीवियस GK के वीडियोस देख लिए तो। साथ में अगर आपने पेन ड्राइव आपके पास है वाईफाई स्टडी की तो फिर आपके सिलेक्शन में कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशली बनाई जा रही है हमारी जो पेन ड्राइव आप सभी के लिए, जो लोग ले सकते हैं। तो FCAT की अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, आपको पता ही है, तो FCAT की स्पेशलाइजेशन FCAT के लिए ही बनाई गई है वो, वैसे ही CDS के लिए तो सिर्फ CDS के लिए डेडिकेटेडली बनाई गई है। CHSL के लिए भी कुछ दिन में लॉन्च होने वाली है, उसका भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, कोई सा बिल जो राज्यसभा में पास नहीं होता, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे आएगा? मनी बिल इसका आंसर आएगा। मनी से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड सारी पावर लोकसभा के पास में ही है,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा के पास में बिल जाता है पास होने के लिए, लेकिन अगर वो उसको बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, अगर उन्होंने बिल के बारे में उनको, तो क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। सजेशन दे सकते हैं, मानने नहीं मानना लोकसभा के पास में है। और कौन ऐसा पर्सन होगा जो कि सर्टिफाई करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, तो कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा बताएगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे जो आपका आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं जो कि आपसे पूछा गया, हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। तो प्रेसिडेंट के किससे रिलेटेड पूछा गया, एक्सपायरी रिमूवल से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि जो रिमूवल है ना प्रेसिडेंट का, उनके एक्सपायरी टर्म के एक्सपायर होने से पहले कौन इनिशिएट कर सकता है। आज तक तो कभी प्रेसिडेंट देश के अंदर हटे नहीं, आपको पता ही है। ये सवाल भी पूछ लिया जाए तो ऐसा नहीं आप कुछ भी वन या टू बार या थ्री बार टिक कर दो, कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो उनका जो है ना, उनको कभी भी नहीं हटाया गया। बिल्कुल सही कहा रविकांत सिंह जी ने, आर्टिकल 110 बोलता है मनी बिल के बारे में, बिल्कुल सही है। राकेश कुमार जी ने भी बिल्कुल सही कहा है। मुमताज जी ने बिल्कुल सही कहा, 14 दिन का टाइम मिलता है उनको। और सुमित्रा महाजन आपको पता ही है अभी कौन है, स्पीकर है लोकसभा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो लोगों ने बी आंसर किया है, बड़ा अजीब आंसर है। डी भी लोग आंसर कर रहे हैं, यानी कि लोग बच्चों की पॉलिटी थोड़ी सी वीक है। देखिए प्रीवियस वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलिएगा पॉलिटी के, अगर आपकी पॉलिटी वीक है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल आते हैं आपके पेपर में, सिंपल से कंसेप्ट है, ध्यान रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो लोकसभा इसका आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपको हटाना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है वैसे प्रोसेस तो स्टार्ट, लेकिन राज्यसभा ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका लोकसभा इसका सही आंसर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे कोबी ब्रायंट के बारे में पूछा गया। देखिए कोबी ब्रायंट बहुत बड़ी एक एथलीट है दुनिया के, माइकल जॉर्डन का नाम आपने सुना होगा, माइकल जॉर्डन एमजे। अभी करंट अफेयर में कुछ दिन पहले एक सवाल बना था कि दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट कौन से हैं अभी तक के, दुनिया के अभी तक के इतिहास में हाईएस्ट पेड एथलीट की अगर मैं बात करूं कौन से स्पोर्ट्समैन है, तो वो माइकल जॉर्डन एमजे, ठीक है, जो कि आपको यूएसए से बिलोंग करते हैं आपको पता ही है। तो ये जो पर्सन आपके सामने इमेज में ना, तो ये कोबी ब्रायंट है। माइकल जॉर्डन के बाद में दुनिया में अगर किसी अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर का नाम आता है तो कोबी ब्रायंट का आता है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया। और आपका आंसर क्या होगा, बास्केटबॉल इसका सही आंसर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सोनू जी बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस था, बिल्कुल इम्पीचमेंट प्रोसेस। देखिए अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखिए मैंने उसमें कंप्लीट बता रखा है कि इनिशियली आपको 25% चाहिए, फिर 25% वोटिंग चाहिए, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में वापस पास होकर आएगा, फिर 50% चाहिए होंगे, फिर राइट टू डिफेंस का टाइम उनको मिलेगा प्रेसिडेंट को। तो ऐसे करके लंबा प्रोसेस है, तो पूरा प्रोसेस मैंने डिफाइन कर रखा है प्रीवियस क्लास के अंदर। और माइकल जॉर्डन के बाद में सबसे फेमस प्लेयर है यूएसए के। और आपका आंसर क्या होगा, बास्केटबॉल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि आपसे पूछा गया, वो पंचतंत्र। कई बार ये सवाल मैं बना चुका हूँ प्रीवियस हिस्ट्री की क्लास में। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको पता ही है, सिंपल सा सवाल है। अब देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। व्यास के बारे में मैं कल आपको बताया था, महाभारत लिखी गई थी महर्षि व्यास के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। गणेश जी ने लिखी थी लेकिन व्यास जी ने बोली थी, लेकिन जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो व्यास जी आपका सही आंसर होता है। विष्णु शर्मा जी इसका सही आंसर होगा, मुझे लगता है किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा। मेजरली जो मैं देख रहा हूँ सही आंसर आ रहे हैं, 90% 95% सही आंसर है। तो विष्णु शर्मा इसका सही आंसर है, जो पंचतंत्र की किताब लिखी है। वाल्मीकि जी की आपको पता ही है रामायण लिखी है, और इस तरीके से कई सारे किताबें हैं जो कि आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य की आपको पता ही है चाणक्य की अर्थशास्त्र किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके लिए आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारे सवाल थे जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में 50 में 50 जरूर आएंगे। एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि 5 एनिमल उन्होंने कहीं देखा है उसके अंदर एम्बलम में होते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, 5 एम्बलम नहीं है। कई बार मैं बोल चुका हूँ, स्टार्टिंग जीके में पढ़ा चुका हूँ, तरीका भी बता चुका हूँ कि कैसे हमारा एम्बलम बना है। जाते जाते मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कंसेप्ट है, एक स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है
और मेरा फर्ज बनता है कि आपके सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करके जाऊँ। देखिए हुआ ये था कि आपने सन्नाट टेम्पल का नाम सुना होगा, सन्नाट टेम्पल, सांची स्तूपा, सांची स्तूपा जो है वहाँ से अपन ने क्या किया था, सांची स्तूपा से, सांची स्तूपा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अशोका के जो लायन कैपिटल है सन्नाट की, सांची स्तूपा भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछते हैं, सांची और सन्नाट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लायन टेम्पल है अशोका का, उसके ऊपर जो इमेजेस बनी हुई है वो उस तरफ क्या है कि उसके ऊपर एक तो बैल बनी हुई है चार, ठीक है, चार तरफ तो डायरेक्शन में क्या बने हुए हैं, चार तो लायन बने हुए हैं, आपको पता ही है फोर लायन चारों तरफ बने हुए हैं, उसके अलावा उसके नीचे की तरफ चार जानवर बने हुए हैं और बीच में चक्रा बना हुआ है और चार एनिमल भी बने हुए हैं जो कि भेल इस तरीके से होता है, ठीक है, बी ई एच एल। अब इसमें से हमने जब इसको फोटो खींची थी ना इसकी टेम्पल की, तो इस तरीके से क्या हुआ था कि हमने क्या ले लिया था, बीच में जो अपना चक्र है वो भी ले लिया था और जो साथ में चार जानवर है चारों दिशाओं में, जब हमने सामने से फोटो खींची तो दो ही एनिमल आ पाएंगे, तो हमने क्या ले लिया, बुल और हॉर्स को हमने ले लिया, तो जो हमने वहां से एनिमल ले लिए साथ में वो ले लिया और नीचे घंटी थी उस पर हमको हमने हटा के क्या लिख दिया, सत्यमेव जयते, ठीक है, सन्नाट से सत्यमेव जयते हमने उसके ऊपर जो बैल थी ना उसको हटा के हमने सत्यमेव जयते कहां से लिया हुआ है, मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से लिया हुआ है सन, क्या सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रम्प। तो ये हमने हमारे एम्बलम में डाला, साथ में हमने ये डाला रिंग जो, ठीक है, जो फोक्स है 24 वो डाली, साथ में एनिमल डाले और लायन डाले, इस तरीके से हमने सामने जाके फोटो खींची सन्नाट लायन कैपिटल की, आपके सामने इमेज दिखी रही है। अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं जब हम फोटो खींचेंगे तो तीन ही हमारे सामने आएंगे, चार कभी सामने नहीं आएंगे, ठीक है, तो आपके सामने क्या आएंगे, सिर्फ तीन ही आएंगे, इसीलिए हमारे सामने तीन दिखते हैं हमारे एम्बलम के अंदर, दो जानवर आपके एनिमल आपके सामने दिख रहे हैं, बीच में आपके क्या दिख रहा है, चक्र दिख रहा है, तो जो दो एनिमल दिख रहे हैं ना ये क्या है, एक तो बुल है और एक हॉर्स है, और एक्चुअली अगर आप वहां जाएंगे सांची के जो सन्नाट है वहां पे, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, चारों तरफ एनिमल दिखेंगे, लेकिन जब हमने फोटो खींची तो हमें दो ही दिखेंगे, तो हमने दो डाल दिए, साथ में तीन लायन दिखेंगे तो वो भी डाल दिए, तो इस तरीके से नीचे जो बेल थी उसको हटा के हमने क्या लिख दिया, सत्यमेव जयते। तो ये पूरा कंसेप्ट था, ठीक है, जो कि उस टाइम पे फॉलो किया गया था जब हमने हमारा एम्बलम बनाया था, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और डिटेल्स मैं इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, बाकी मैंने आपको बताई है कई सारे कोर्सेज जो जीके के बनाए हैं वो सब आपके पास अवेलेबल है, एनी टाइम आप उनका यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल आप सभी के लिए वो होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको फ्यूचर में इस से रिलेटेड कोई सवाल गलत नहीं होगा, सीएचएसआर पेपर रिलेटेड कोई सवाल गलत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि कल वापस सेम टाइम पे मिलेंगे और वापस से अच्छे कंसेप्ट प्रिपेयर करेंगे आपके आने वाले पेपर के लिए, जिसमें आपके 50 में से 50 आने वाले हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो फ्रेंड्स वापस मिलेंगे कल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। 2 बजे वापस से आपकी क्लास आई तो वापस से साहिल सर के साथ में नए कंसेप्ट जरूर सीखेगा, साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।